देखिए, फोन पर है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका क्लेम वही है कि आप नजदीकी गैराज में ले जाइए और वहां पे आपका जहां भी कैशलेस है उस हिसाब से आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे पेपर मांगेगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट, और ये इस तरीके से आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। मेन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने पर टोटल लॉस में चलेगी, अगर गाड़ी टोटल लॉस में रिपेयरेबल के लायक नहीं है और कंपनी के सर्वेयर ने कह दिया कि वो टोटल लॉस में चली गई, तो उस केस में क्या होगा कि बेसिकली अगर मान लो गाड़ी की वैल्यू आपकी 8 लाख रुपए की थी और आपने गाड़ी की किस्त जो लोन ले रखा है वो भी 8 लाख का ले रखा है और जो किस्त है वो आपने 2 लाख रुपए दी है और 6 लाख रुपए बचती है, तो अगर जब क्लेम फाइनल जो अमाउंट अगर कंपनी सेटल करेगी तो उसमें जो पहले वो बैंक से पूछेगी फाइनेंसर से कि आपका कितना अमाउंट बचा है, मान लीजिए 6 लाख रुपए बचा तो 6 लाख रुपए पहले उसे देगी, उसके बाद जो 2 लाख रुपए आपका बचता है फिर वो आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से क्लेम सेटल किया जाता है अगर आपका गाड़ी पे लोन हो। सर सभी का नॉर्म यही है हिंदुस्तान में कि अगर जैसे गाड़ी चोरी हो गई सबसे पहले आपको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है और वो उसको बताना है कि ऐसे ऐसे जगह और ऐसे ऐसे घटना के साथ मेरी गाड़ी चोरी हो गई। दूसरा आपको FIR कराना मैंडेटरी है कि सरकार का ये नियम है कि FIR मैंडेटरी है। तीसरा ये होता है कि आपको इन बिटवीन गाड़ी की जो दोनों चाबियां है वो आपको देनी होती है। चौथा ये होता है कि आपको जो RC है जो आपके नाम से टैक्सी अगर आपने बाय कर रखी है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के नाम RC ट्रांसफर करनी होती है कि इन केस अगर गाड़ी आपकी दोबारा मिल गई तो उस पर आपका कोई हक नहीं रहेगा। चौथा क्या है कि इसमें जो फाइनल एक कोर्ट से रिपोर्ट निकाली जाती है 3-4 महीने जब पुलिस तहकीकात करती है और मान लीजिए उसे ट्रैक नहीं होता तो एक कोर्ट से एक ऑर्डर की कॉपी वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है कि उसमें लिखा होता है कि अब ये गाड़ी ट्रैक नहीं हुई, तो आपको जो भी क्लेम अमाउंट जो भी आपकी पॉलिसी के हिसाब से बनता है वो आपको सेटल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है चोरी के केस।